आज दिनांक 22 जुलाई को एक दिन का संपूर्ण चक्का जाम किया गया है, ऑल राजस्थान लेवल पर किया गया है, और अजमेर रीजन प्राइवेट बस एसोसिएशन ने भी संयुक्त तत्वाधान में चक्का जाम करते हुए प्राइवेट बसें किसी भी रूप में ऑपरेट नहीं हो रही हैं। सरकार से हमारी विभिन्न मांगे हैं, पहले भी हमने कई बार मांगे की है पूर्व में भी, और हमारी फिर एक बार सरकार से प्रार्थना है कि हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिसमें मुख्य रूप से है कि मासिक टैक्स जो हमारा लगता है उसके अंदर एक साल की पूर्ण छूट दी जाए, साथ ही इंश्योरेंस से रिलेटेड और किस्तों से रिलेटेड, आरसी सरेंडर से रिलेटेड कई बाबत हमने मांगे हैं जिनके ऊपर सरकार ध्यान दे। डीजल और पेट्रोल के दाम भी बहुत अत्यधिक बढ़ गए हैं, तो डीजल के दामों में भी सब्सिडी प्रदान की जाए प्राइवेट बस ऑपरेटरों को, क्योंकि हमें कोरोना के कारण और महामारी जो फैली है उसके कारण बसें ऑपरेट करने में बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी इन मांगों के ऊपर ध्यान दे और हमें राहत प्रदान करें। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमने विभिन्न मांगों से उनको अवगत करा दिया गया और कलेक्टर साहब से हमें आश्वासन मिला कि हमारी